हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जूलॉजी चैनल। आज हम बीएससी का नया टॉपिक करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस अबाउट डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है या फिर डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है बॉडी के अंदर, तो किस तरीके से उसके डेमोन्स्ट्रेशंस किए गए थे वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज द सिंस द टाइम ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स जेनेटिक मटेरियल वॉज नोन टू बी डिटरमाइंड फिनोटिपिक एक्सप्रेशन एंड पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स में हमें ये पता था कि नेक्स्ट जनरेशन में कुछ चीज़ें पास होती हैं, वो एक जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं पता था कि वो मॉलिक्यूल्स किस नेचर का है, कैसा है। नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वाज एलुसिव, नेचर नहीं पता था। नियर द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी 3 एक्सपेरिमेंट्स अटेम्प्ट एक्सपेरिमेंट्स किए गए, किसके लिए, कि नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है। फाइनली कंक्लूड ये हुआ कि डीएनए क्या है, एज ए जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज्यादा मिलता है। बहुत से केसेस में आरएनए भी होता है। जेनेटिक मटेरियल विच डिटरमाइन ट्रेट्स और फिनोटाइप्स। फिनोटाइप्स क्या होता है, फिजिकली अपीयरेंस, जो हम बाहर से दिखाई देते हैं, मॉर्फोलॉजी, वो क्या होती है, फिनोटाइप्स। और जो हमारा जीनोटाइप्स होता है वो इस चीज को डिसाइड करता है कि फिनोटाइप कैसा होगा। इज ऑलवेज ए न्यूक्लिक एसिड, वो क्या होते हैं, हमेशा एसिडिक फॉर्म होती है और उनको हम कॉमन नेम में बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। मोस्टली इट इज डीएनए, ज्यादातर ये क्या है, डीएनए है, एक्सेप्ट इन द आरएनए वायरस विच यूज आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए देखा गया है कि वो एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। एक्सपेरिमेंट्स हम देखते हैं कि कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जो ज्यादातर इसके ऊपर ये बताते हैं कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल के लिए हुआ था जो ग्रीफिथ और एवरी ने किया था। उसमें क्या किया गया था कि बैक्टीरिया लिया गया, कैसा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, फैमिली न्यूमोकोकस का था, कॉजेज न्यूमोनिया, ये बैक्टीरिया था जो न्यूमोनिया कॉज करता था और उस न्यूमोनिया की वजह से उन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती थी। दिस बैक्टीरियम हैज टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन बेस्ड ऑन देयर कॉलोनी अपीयरेंस इन ग्रोथ मीडियम। दो स्ट्रेन होते थे उस बैक्टीरिया के, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के दो स्ट्रेन में क्या था, एक आर स्ट्रेन था और एक एस स्ट्रेन था। ये डिपेंड करता था कि वो किस कॉलोनी में अपियर हुआ। दिस स्ट्रेन इज नोन एज द एस स्ट्रेन, जो जिसको हम स्मूथ बोलते हैं। और सेकेंड टाइप्स ऑफ न्यूमोकोकस स्ट्रेन डू नॉट प्रोड्यूस ए पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, वो कैप्सूल प्रोवाइड नहीं करता था, ऊपर से कैसा था, रफ दिखाई देता था और ग्रोथ मीडियम में जब उसको देखा जाता था तो उसकी अपियरेंस रफिंग थी, तो उस स्ट्रेन को नाम दिया गया एस स्ट्रेन और द रफ स्ट्रेन। तो दो तरह के स्ट्रेन थे, आर स्ट्रेन एंड द एस स्ट्रेन। एस कैसा था, स्मूथ था, क्योंकि कैप्सूल की फॉर्मेशन करता है एक ऊपर, कैसा कैप्सूल है वो, पॉलीसेकेराइड्स का। रफ के ऊपर वो कैप्सूल की फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए उसको रफ स्ट्रेन या फिर आर स्ट्रेन उसको बोला जाता है। द विरुलेंस ऑफ द बैक्टीरियम इज डिटरमाइंड बाय इट्स कैप्सूल पॉलीसेकेराइड्स। विरुलेंस होता है कि वो डिजीज कॉज करेगा या नहीं करेगा, उसकी वायरलिटी, उसका इफेक्ट है। जो बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट है तो वो क्या करता था, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसमें कितनी पावर है, विरुलेंस उसका इफेक्ट करने की पॉसिबिलिटी कितनी है। बिकॉज कैप्सूल अलाउ द बैक्टीरियम टू एस्केप डिस्ट्रक्शन बाय द होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। कैप्सूल बचा लेता है उस बैक्टीरिया को, और जो किसके अंदर प्रेजेंट है वो, रफ स्मूथ के अंदर, एस के अंदर। तो एस क्या करता है, उस कॉलोनी के अंदर, उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या कर सकता है, डिजीज कॉज कर सकता है। आर टाइप ऑफ स्ट्रेन ए विरुलेंट होता है, ये डिजीज कॉज नहीं करता है और इसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म किल भी नहीं होता है। इसमें क्या कहा है, डू नॉट किल द माइस, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट माइस पे किया गया था। बिकॉज द अब्सेंस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स कैप्सूल अलाउ द एनिमे इम्यून सिस्टम्स टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। अब उस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल नहीं है तो बॉडी का जो इंटरनल मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है ह्यूमन बॉडी का या फिर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, वो उस बैक्टीरिया को किल कर देते थे। तो इसकी वजह से उसके अंदर क्या है, वो डिजीज कॉज नहीं होती। तो इस वजह से क्या कहा है कि आर स्ट्रेन इजिली इवेड ह्यूमन इम्यून सिस्टम एंड कॉज न्यूमोनाई। तो एस स्ट्रेन क्या करता है, वो डिजीज कॉज करता है और उस ऑर्गेनिज्म को न्यूमोनिया कॉज कर देता है। टू टाइप्स ऑफ न्यूमोकोकल स्ट्रेन आर आर स्ट्रेन विच लैक कैप्सूल पॉलीसेकेराइड्स एंड हैंस ए विरुलेंट, एंड एंस एस स्ट्रेन क्या है, कैप्सूल की फॉर्मेशन करता है और ये क्या है, विरुलेंट है, ये डिजीज कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है।
तो ये क्या है, उस बैक्टीरिया के बारे में है जो बैक्टीरिया इसके अंदर यूज हुआ था। उस बैक्टीरिया में क्या है, अगर इसकी कॉमन सी बात बताते हैं, कर्सा बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई है, न्यूमोकोकस फैमिली का है। दो स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन के ये क्या है, डिजीज कॉज नहीं करता क्योंकि वो कैप्सूल की फॉर्मेशन नहीं करता है। एस स्ट्रेन डिजीज कॉज करता है और वो कैप्सूल की फॉर्मेशन करता है। कैप्सूल कैसा है, पॉलीसेकेराइड्स। ये है एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ और एवरी ने किया था 1928 के अंदर किया था। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंटेड बाय इंजेक्टिंग डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इनटू द माइस। अलग अलग स्ट्रेन माइस के अंदर इंजेक्ट किए गए। ये देखो ये माइस है, माइस में क्या क्या एस बैक्टीरिया या फिर एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इसके अंदर डाला, माइस को डिजीज हुआ और माइस की डेथ हो गई क्योंकि एस टाइप का बैक्टीरिया था और वो डिजीज कॉज करता है, वो विरुलेंसी शो करता है। अब दूसरा केस में क्या किया, माइस के ऊपर एस स्ट्रेन डाला, एस स्ट्रेन से इसको इंजेक्ट करवाया। इंजेक्ट करवाने के बाद देखा कि माइस सर्वाइव कर गया है क्योंकि वो आर बैक्टीरिया था। आर बैक्टीरिया को बॉडी, माइस की बॉडी किल कर देती है, वो उसको डिजीज कॉज करने नहीं देती। अब कुछ टाइम के बाद एक नया काम क्या किया कि जो एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया थे उनको हीट किल्ड कर दिया और फिर माइस के अंदर डाला, माइस फिर भी सर्वाइव कर गया। क्यों? क्योंकि उसके जो उसके पास जो डिजीज कॉज करने की पॉसिबिलिटी थी एस स्ट्रेन के बाद, एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया के पास, वो हीट किल करते ही क्या होगा, डेथ होगी, वो किल हो गया, डैमेज हो गया। और डैमेज होते ही वो अपना इस बॉडी के अंदर डिजीज कॉज नहीं कर सकता था, तो इसके ये माइस क्या कर गया, सर्वाइव कर गया। अब क्या किया, जो आर टाइप था वो कंप्लीट लिया, वो लाइव लिया और हीट किल्ड एस टाइप के बैक्टीरिया लिए, दोनों को मिक्स कर दिया। लेकिन दोनों में क्या है, आर लाइव है, एस को हाफ किल्ड कर दिया, हीट किल्ड, सॉरी हीट किल्ड। और किलने के बाद इन दोनों को इंजेक्ट किया तो माइस की क्या होगी, डेथ होगी। देखा क्या गया उसके अंदर कि टाइप एस बैक्टीरिया वर आइसोलेटेड फ्रॉम द डेड माउस। जो माइस, जो बैक्टीरिया यहां पर हीट किल्ड करने के बाद यहां से वो नहीं करता था इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर, वो यहां पर हीट किल्ड करने के बाद जब उसको आर के साथ मिक्सअप किया गया तो वो यहां पर सर्वाइव कर गया और उसने डिजीज कॉज किया और वहां पर दोनों चीजें मिली। तो ये एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि कुछ चीजें पास हुई हैं इस आर स्ट्रेन से, इस एस स्ट्रेन को कुछ पास हुआ है जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर गया। अदरवाइज तो यहां पर भी तो ये चीजें ली थी, यहां तो डिजीज कॉज नहीं हुई थी। तो ये ग्रिफिथ ने क्या कहा, ग्रिफिथ ने इसको कहा था जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, माइस के एक्सपेरिमेंट से या फिर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के नाम से, अलग अलग नाम से इसको पता कर सकते हैं। बाकी ज्यादातर केस में क्या है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑन जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये जेनेटिक में ट्रांसफॉर्म हुआ है, कोई चीजें यहां से यहां तक क्या है, पास हुई है, ये ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो ये चीजें इसके अंदर क्या है, बताई गई थी। ये है इसका कंप्लीट एक्सपेरिमेंट थी क्या है। अब इसकी थ्योरी देखते हैं। व्हेन एस बैक्टीरिया वर इंजेक्टेड इनटू ए लाइव माइस, माउस डाइड ऑफ द निमोनिया, डेथ होने हो गई है उस माइस की, और उसमें क्या है, एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया उसकी बॉडी के अंदर से देखे गए हैं जो उसके माउस के ब्लड के अंदर प्रेजेंट थे और वो जब कल्चर किए गए थे तो उसमें वो मिले। अगर आर बैक्टीरिया लिया गया है तो वहां पर माइस को कोई भी डेथ नहीं हुई है और उसके अंदर वो कोई भी एस स्ट्रेन भी नहीं है और आर स्ट्रेन भी नहीं है, कोई भी स्ट्रेन नहीं है वहां पर, क्योंकि वो ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। ग्रिफिथ ने अब क्या किया, ग्रिफिथ किल्ड द स्मूथ, एस को क्या कर दिया, किल कर दिया, कैसे, हीट ट्रीटमेंट से, और उसको इंजेक्ट कर दिया माउस की बॉडी के अंदर, तो वो सर्वाइव कर गए क्योंकि एस स्ट्रेन भी वहां पर मिला नहीं, एस स्ट्रेन के पास वो पॉसिबिलिटी नहीं रही, वो एबिलिटी नहीं रही वो कि डिजीज उसको कॉज कर सके। अब एक नई बात क्या है कि सरप्राइजिंग एंड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वर ऑब्टेंड, वाज ऑब्टेंड इन द लास्ट एक्सपेरिमेंट आउटलाइन। क्या मिला, लाइव हमने आर स्ट्रेन नॉर्मल लिया और एस स्ट्रेन को क्या लिया, मिक्सअप किया हीट किल्ड करने के बाद। आर स्ट्रेन लाइव है और हीट किल्ड एस बैक्टीरिया है, उन दोनों को मिक्स किया तो क्या हुआ, माउस की डेथ होगी, माइस की डेथ होगी है। बाद में क्या देखा गया कि उसके टिश्यूज के अंदर से एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्या वहां पर ग्रो किए हुए थे। इंटरप्रिटेशन क्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट है, सम सब्सटेंस, पता नहीं है वो सम सब्सटेंस क्या है, उसी चीज को डिटेक्ट किया गया है यहां पर, फ्रॉम द डेड एस बैक्टीरिया वॉज रिलीज्ड इन टू द एनवायरमेंट, कि जो एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया थे उससे क्या हुआ कि कोई चीज सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है जो वो
रिलीज हुआ है एनवायरनमेंट के अंदर, विच वॉज पिक्ड अप बाय द आर स्टेन, और आर स्टेन ने उसको गेन कर लिया है, विच देयर बाय अटेंड द ट्रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग कैप्सूल पॉलीसेकेराइड, जिसकी वजह से वो आर स्टेन पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है जो वो फॉर्मेशन करने की एबिलिटी प्राप्त कर लेता है, गेन कर लेता है। इन दिस वे आर बैक्टीरिया टर्न इनटू द एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। आर बैक्टीरिया इसमें चेंज होगा किसमें, एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया के अंदर। ग्रिफिथ कार्ड दिस प्रोसेस ऑफ जीन ट्रांसफर इज कार्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरिया के अंदर देखी जाती है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, वो सारा प्रोसेस। तो इन्होंने क्या कहा, ग्रिफिथ ने इस प्रोसेस को क्या कहा, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या प्रोसेस है ये, जीन ट्रांसफर प्रोसेस। एन अनआइडेंटिफाइड सब्सटेंस कॉजिंग दिस टू अकर वर टर्म्ड एज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्होंने सब्सटेंस नहीं बता पाए वो कि क्या सब्सटेंस है, उन्होंने सिर्फ ये बता पाए कि कोई चीज है, कोई सब्सटेंस है जो वहां से ट्रांसफर होता है। ग्रिफिथ डिड नॉट नो अबाउट द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, वो ये नहीं बता पाए कि सब्सटेंस क्या है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वॉज बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ऑफ जीन ट्रांसफर, इस चीज के ऊपर ये बेस था। हिज एक्सपेरिमेंट्स कुड नॉट रिवील द नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो चीज है क्या जो ट्रांसफर हो रही है, उन्होंने सिर्फ ये हिंट दिया कि कोई चीज ट्रांसफर होती है। बाद में क्या हुआ, एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी, इन तीनों ने इस चीज के ऊपर आगे काम किया कि कोई चीज जो ट्रांसफर होती है उसको फाइंड आउट करें कैसे किया जाए। एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने एक्सपेरिमेंट्स किया 1940 के अंदर। क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज द प्योरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट, थर्ड सेकंड वन इज द एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। दोनों उन्होंने काम किए। प्योरिफिकेशन में क्या किया, एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी यूज्ड अवेलेबल प्योरिफिकेशन प्रोसीजर टू प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन फ्रॉम हीट किल्ड एस्ट्रेन एंड देन सेपरेटेड इंजेक्टेड ईच ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट इनटू ए लाइव माउस अलोंग विद आर स्ट्रेन। अब इन्होंने ये पता था कि उस एक्सपेरिमेंट्स में वहां पर या तो डीएनए था उसके पास, या आरएनए था, या फिर प्रोटीन थे। इन तीनों को उस रफ स्ट्रेन के अंदर साथ मिक्स किया, पहले आरएनए डीएनए को, आरएनए को, फिर प्रोटीन को, अलग अलग करके जो एस स्ट्रेन से मिले हैं सेपरेटेड करके उनको बाद में उस आर के साथ, आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया। दे डिस्कवर्ड दैट ओनली वन ऑफ एक्सट्रैक्ट, नेमली द वन दैट कंटेन प्यूरिफाइड डीएनए फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एस बैक्टीरिया। एस बैक्टीरिया से जो उन्होंने डीएनए प्यूरिफाई किया था और उस डीएनए को जब आर स्ट्रेन के साथ मिलाकर उस माउस को दिया, तभी जाकर क्या है, निमोनिया पोज हो रहा था। वॉज एबल टू कन्वर्ट द आर बैक्टीरिया इन टू द एस टाइप। कहने का मतलब क्या है, आर बैक्टीरिया प्योर फॉर्म में है और एस बैक्टीरिया का क्या है, डीएनए है। इन दोनों को जब मिक्सअप कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तो वो एस स्ट्रेन गेन कर लेते हैं। इस वजह से क्या कहा, व्हेन दिस एक्सट्रैक्ट वाज मिक्स्ड विद दिस टाइप ऑफ आर बैक्टीरिया, सम ऑफ बैक्टीरिया वर कन्वर्टेड इनटू द एस टाइप। हाउएवर देयर इज नो डीएनए एक्सट्रैक्ट वाज एडेड, नो टाइप एस बैक्टीरिया कॉलोनीज वर अवेलेबल, कोई अवेलेबल नहीं होती पेट्री डिश में, उनके अंदर देखा नहीं गया जिनके अंदर हमने आरएनए डाला या फिर प्रोटीन डाला। तो ये है प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स, लूप होल ऑफ द प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स। 1940 के अंदर प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर अवेलेबल वर नॉट एन एडवांस्ड एज द टूडे, जैसा आज प्यूरिफाइड किया जा सकता उस टाइम पे इतना ज्यादा नहीं था। सो कॉल्ड प्योर डीएनए एक्सट्रैक्ट ऑफ एस स्ट्रेन मे नॉट बी 100% प्योर एंड माइट कंटेन स्मॉल ट्रेस ऑफ द कंटामिनेंट्स, वेयर इज मोस्ट लाइकली सिनेरियोस आइदर ए प्रोटीन और आरएनए। इस चीज के ऊपर अब डाउट्स होना स्टार्ट हो गए कि हो सकता है इतना प्योरीफाई ना हो कि डीएनए ही गया हो उसके साथ, हो सकता है आरएनए भी गया हो थोड़ा बहुत पार्ट उसका, या फिर प्रोटीन के थोड़े बहुत पार्ट गए हो। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट डिस्प्रूव दैट आरएनए और प्रोटीन That may be present as contaminants was not responsible for the transformation. दूसरे parts में जो enzymatic digestion process था, enzymatic treatment का जो procedure था, उसमें इस चीज को भी avoid कर दिया गया, इस चीज को भी discard कर दिया या disprove कर दिया गया कि RNA चाहे present भी है as a contaminant या फिर protein present है, वो R strain को S strain के अंदर convert करने की possibilities नहीं रखते। क्या है ये enzymatic digestion experiments? To further verify that DNA in this extract
वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। अब उन्होंने क्या किया, मैक्लॉयड मैकार्टी ने ट्रीट किया किससे, डीएनए एक्सट्रैक्ट विद द एंजाइम दैट डाइजेस्ट डीएनए। डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले को डीएनएज दिया, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज दिया, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज दिया। ये एंजाइम है जो इनको डाइजेस्ट करते हैं। अगर डीएनएज डालेंगे तो डीएनए डिग्रेड कर जाएगा, टूट जाएगा। अगर आरएनएज डालेंगे तो आरएनए टूट जाएगा, और प्रोटीएज डालेंगे तो प्रोटीन टूट जाएगा। देन दिस एंजाइम ट्रीटेड विद एस स्ट्रेन डीएनए एक्सट्रैक्ट वाज को इंजेक्टेड इनटू द माउस विद लाइव स्ट्रेन। अब उन्होंने जैसे अगर आर स्ट्रेन के साथ उन्होंने प्रोटीन देना था तो आरएनए जो डीएनएज डाले के दोनों क्या है, किल हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। अगर उन्होंने आरएनए दिया तो प्रोटीएज और डीएनएज डाला कि डीएनए और प्रोटीन ना हो। अगर डीएनए दिया तो उन्होंने आरएनएज और प्रोटीएज डाला कि आरएनए और प्रोटीन उसके अंदर ना जाए। तो इन चीजों को अलग अलग करके उन्होंने उसके साथ आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और आर स्ट्रेन की के एक्सपेरिमेंट्स को देखा क्या हुआ। ये देखो आर टाइप की सेल थी, आर टाइप को टाइप एस डीएनए एक्सट्रैक्ट के साथ मिक्स किया गया, डीएनए एक्सट्रैक्ट के साथ मिक्स किया गया तो ये क्या है, ग्रो कर गया। टाइप डीएनए एक्सट्रैक्ट है, डीएनएस डाला तो डीएनए टूट गया, आरएनएस डाला तो क्या हुआ, आरएनएस टूटेगा डीएनए नहीं टूटेगा। यहां पर क्या है, आरएनएस टूटेगा डीएनए नहीं टूटेगा, तो डीएनए क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। अब प्रोटीएज डाला तो प्रोटीन टूटा, डीएनए नहीं टूटा, डीएनए क्योंकि ट्रांसफर करने की पॉसिबिलिटी रखता है तो वो ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट्स में क्या मिलता है कि डीएनए क्या करता है, एज ए जेनेटिक मटेरियल है, वही ट्रांसफॉर्म होता है वहां से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के पास, या फिर आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए वो उसके अंदर पॉसिबिलिटी रखता है। ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हेन डीएनए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वर ट्रीटेड विद आरएनएज और प्रोटीएज दे वर स्टिल एबल टू कन्वर्ट टाइप्स आर बैक्टीरिया इनटू द एस टाइप। वो क्या करते हैं, आर को एस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं आरएनएज या फिर प्रोटीएज को जब हम यूज करते हैं, क्योंकि वो डीएनए को कन्वर्ट डीएनए को डैमेज नहीं कर सकते। दिस रिजल्ट इंडिकेट दैट आरएनए और प्रोटीन इन दिस एक्सट्रैक्ट वाज नॉट एक्टिंग एज ए जेनेटिक मटीरियल। अगर वो जेनेटिक मटीरियल होता तो उसमें क्या है, वो ट्रांसफर हो जाते पहले। अगर जैसे हमने आरएनएज डाला तो प्रोटीन को ट्रांसफर हो जाना चाहिए था, प्रोटीएज डाला तो आरएनए को ट्रांसफर हो जाना चाहिए था, अगर वो जेनेटिक मटीरियल होते तो। लेकिन वो नहीं है, डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटीरियल है। व्हेन द एक्सट्रैक्ट वर ट्रीटेड विद डीएनए इट लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ट आर इनटू द टाइप एस बैक्टीरिया, क्योंकि डीएनए क्या है, एज ए जेनेटिक मटीरियल है, डीएनए डाला है, डीएनए को इसने डाइजेस्ट कर दिया, डैमेज कर दिया, तोड़ दिया, वो अभी उसके अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकता। कंक्लूजन क्या है, आरएनए और प्रोटीन वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द आर टू एस ट्रांसफॉर्मेशन। आर को एस के अंदर कन्वर्ट करने की एबिलिटी आरएनए और प्रोटीन के पास नहीं होती है। डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल और इन द अदर वर्ड्स डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने जिस एक्सपेरिमेंट में ये कहा था कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स हैं, ट्रांसफॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स हैं, वो इन्होंने प्रूव किया कि वो क्या है, डीएनए है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या पता कर पाते हैं कि डीएनए इज एक्ट एज ए जेनेटिक मटीरियल। हर्षे और चेज का एक एक्सपेरिमेंट है, वो हम आपको बताते हैं। एक्सपेरिमेंट्स क्या किया उन्होंने, ई कोलाई के ऊपर किया। बैक्टीरिया ई कोलाई वाज इन्फेक्टेड विद द T2 फाज बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है या बैक्टीरिया को वो इन्फेक्ट करता है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज क्या होती है, वायरस। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो वायरस होते हैं बैक्टीरियोफाज। इज रादर सिंपल हैविंग ओनली टू कॉन्स्टिट्यूट्स। इन बैक्टीरियोफाज के पास सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो प्रोटीन होता है या डीएनए होता है, और कोई कॉन्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। तो इन्होंने इसको यूज करना चाहा क्योंकि इसके पास मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। तो इसको ये चीज अटेन कर पाना कि डीएनए ट्रांसफर हो रहा है या प्रोटीन ट्रांसफर होता है, तो इस चीज को चेंज कर, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए इन्होंने बैक्टीरियोफाज का यूज किया। आफ्टर दे अटैच ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया द कोट ऑफ द फाज वायरस रिमेन अटैच टू द सरफेस वेयर एज जेनेटिक मटीरियल एंटर इन टू द बैक्टीरिया। ये पता है कि जब एक वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो जो स्ट्रक्चर होती है उस बैक्टीरियोफाज की, वो प्रोटीन की बनी हुई होती है, जिसको हम कोट बोलते हैं। वो तो क्या होती है, रिमेन आउटसाइड अटैच, वो बाहर की तरफ रह जाती है, और उस बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ जेनेटिक मटीरियल जाता है अंदर। उस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए सिर्फ उस वायरस का जेनेटिक मटीरियल जाता है, उस बैक्टीरियोफाज का सिर्फ जेनेटिक मटीरियल जाता है।
द नेचर ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल कैन बी आइदर प्रोटीन और डीएनए। अब इसमें से ये भी पता करना मुश्किल था कि वो जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर हो रहा है वो प्रोटीन का या डीएनए का, ये हमें बाद में पता चलता है कि उसके का जो कोड है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, जब तक ये चीजें श्योर नहीं हो पाई थी। टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, उसके लिए क्या करते हैं, पास वाज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कैसे जो ये फ्लोरेसेंस जो करते हैं वो बताते हैं कि उनके मॉलिक्यूल्स कहाँ तक प्रेजेंट और किस तरीके से आए हैं, किस कंपोनेंट्स के थ्रू आए हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, लेबल्ड इंटर आइदर इन देयर डीएनए कंपोनेंट्स, डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस का कंपोनेंट लिया रेडियो एक्टिव, दैट इज द P32 जो डीएनए के अंदर कंपोनेंट्स होता है फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरिक एसिड के अंदर होता है, और इन देयर प्रोटीन्स कंपोनेंट्स सल्फर 35, ये रेडियो एक्टिव है दोनों के, प्रोटीन के डीएनए के अंदर फॉस्फोरस है और प्रोटीन के अंदर क्या है सल्फर है। द इन्फेक्टेड बैक्टीरिया वर एजिएटेड इन ए ब्लेंडर एंड टू फ्रैक्शंस वर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब उन्होंने बैक्टीरिया को क्या है इन्फेक्ट करवाया और उसके अंदर क्या है फ्रैक्शंस हुए सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद, जो उसकी ट्यूब्स के अंदर होते हैं जो हैवी होते हैं वो लोअर डाउन में ऐसे के ऐसे क्या डिपॉजिट हो जाते हैं, जो फ्रैक्शंस स्मॉल होते हैं वो ऊपर की तरफ क्या होते हैं फ्लोट करते रहते हैं। वन फ्रैक्शन कंटेन द एम्प्टी फेजेस या फिर गोस्ट दैट वर रिलीज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया एंड आइदर कंसिडर्ड ऑफ द इन्फेक्टेड बैक्टीरियल देमसेल्व्स। जो एक फ्रैक्शंस था उसके अंदर वो फेजेस थे जो जिन्होंने उस बैक्टीरिया को किल किया था, इन्फेक्ट किया था या फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, और दूसरे के अंदर क्या थे उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। अब इसके अंदर देखो क्या था, दे यूज्ड रेडियो आइसोटोप्स और टू डिस्टिंग्विश प्रोटीन। क्यों यूज किया था उन्होंने रेडियो आइसोटोप को, कि प्रोटीन है जो डिस्टिंग्विश प्रोटीन फ्रॉम द डीएनए, कि रेडियो आइसोटोप्स के यूज करने के बाद कि जेनेटिक मटेरियल क्या है उसमें जो डीएनए के अंदर फॉस्फोरस है वो कैसे जाती है। सल्फर एटम्स आर फाउंड इन द प्रोटीन्स बट नॉट इन द डीएनए। सल्फर एटम्स अगर वहां पर प्रेजेंट हैं तो प्रोटीन आया है ट्रांसफर होके, अगर फॉस्फोरस रेडियो आइसोटोप वहां पर प्रेजेंट है तो डीएनए आया ट्रांसफर होके, इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने रेडियो आइसोटोप्स को यूज किया था। वेर एज द फॉस्फोरस एटम्स आर फाउंड इन द डीएनए बट नॉट इन द फाज प्रोटीन, लेकिन वो फाज के प्रोटीन के अंदर नहीं होता है। Therefore, S35 रेडियो आइसोटोप एंड द P32 रेडियो आइसोटोप ऑफ द फॉस्फोरस वर यूज्ड टू स्पेसिफाई लेबल्ड फाजेस प्रोटीन्स एंड द डीएनए रेस्पेक्टिवली। कि डीएनए के अंदर क्या होता है फॉस्फोरस आता है, फॉस्फोरस 32 और प्रोटीन के अंदर सल्फर आता है, सल्फर 35। अगर वो किस कौन उसके अंदर प्रेजेंट होता, कौन ट्रांसफर होके गया, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने रेडियो आइसोटोप लिया। ये देखो बैक्टीरिया को क्या है बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट करवाया, इसके जो डीएनए है उसके पास क्या है P32 है, प्रोटीन के पास S35 है, इन्होंने इसको इन्फेक्ट किया, सेपरेट किया बाद में फाजिस को, कोट एंड द इन्फेक्टेड बैक्टीरिया दोनों को अलग अलग किया, ये बैक्टीरिया अलग फाजिस अलग हो गए, बैक्टीरिया अलग हो गए, फाजिस के पास क्या है अभी S35 लेबल्ड मोलिक्यूल्स हैं, और जो इसके पास इन्फेक्शन होने के बाद इसको क्या गया आइसोलेट प्रोजेनी फाज पार्टिकल्स उसको अलग से निकाला गया, इसके अंदर से इन्फेक्टेड बैक्टीरिया कंटेन द 70% P35 लेबल इन्फेक्शन, मतलब ये ट्रांसफर क्या हुआ इसके अंदर, यहां से क्या गया इसके पास फॉस्फोरस 32, दैट मीन्स डीएनए ट्रांसफर हुआ। प्रोजेनी फाजिस हैव 30% ऑफ P32 लेबल एंड द वन लेस देन 1% ऑफ द S35 लेबल मॉलिक्यूल्स, बहुत रेयर था, मतलब सबसे ज्यादा क्या था उसके अंदर P32 डीएनए था, डीएनए का ये फॉस्फोरस है, इट मींस क्या इससे क्या हुआ ये कि जो बैक्टीरिया यहाँ से जो ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स है वो क्या है डीएनए है नॉट द प्रोटीन्स, इस चीज को जस्टिफाई किया गया कि मॉलिक्यूल्स में क्या है ट्रांसफर करने का क्या करता है डीएनए। ऑब्जर्वेशन क्या कि मोस्ट ऑफ द P32 लेबल्ड वर प्रेजेंट इन द फ्रैक्शंस कंटेनिंग इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट था उसके अंदर P32 और P32 किसके अंदर प्रेजेंट था डीएनए के अंदर। फास्ट गोस्ट फ्रैक्शंस कैरीड द 35S लेबल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जो इसका सल्फर का 35S क्या है उसका वो किसके अंदर प्रेजेंट था फास्ट गोस्ट के अंदर प्रेजेंट था,
जो उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर गया था वो क्या था, P32, क्योंकि पी उसको इन्फेक्ट करने के लिए कोई मोलिक्यूल्स जाता है तो वो क्या जाता है, डीएनए। इंटरफेरेंस क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ टी टू फास, और फास का नाम क्या था इसके अंदर, टी टू फास या फिर बैक्टीरियो फास लिखा जाता है, दैट हैज एंटर्ड इन द इकोलाई इज डीएनए इन द नेचर, कि टी टू फास ने ई कोलाई को इन्फेक्ट करने के लिए डीएनए भेजा था, डीएनए एज ए ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स या फिर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो इस चीज से ये जस्टिफाई हुआ किन डेमोन्स्ट्रेशन से कि डीएनए क्या है, ट्रांसफर मॉलिक्यूल है, डीएनए की जेनेटिक मटेरियल है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट्स थे इसके अंदर कि जो हमने ये बताते हैं कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। जिसको कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है।